हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपका मेरी चैनल मेडल सपोर्ट में। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हर्सूटिज्म के बारे में, यानी कि अनचाहे बालों का आना। तो दोस्तों, बने रहिए वीडियो में अंत तक, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को भी क्लिक कर लें ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि हर्सूटिज्म क्या होता है। दोस्तों, हर्सूटिज्म महिलाओं में होने वाली एक ऐसी स्थिति है जिसमें चेहरे, छाती और पीठ पर पुरुषों की तरह अत्यधिक बाल आने लगते हैं। एंड्रोजन नामक पुरुष हार्मोन के अत्यधिक बढ़ने के कारण ऐसा होता है। इसमें विशेष रूप से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन अहम भूमिका निभाता है। यह समस्या पुरुषों में भी हो सकती है। हर्सूटिज्म से छुटकारा पाने के लिए प्रभावी उपचार के कुछ विकल्प मौजूद हैं। दोस्तों, इसके लक्षणों की बात करें तो हर्सूटिज्म में महिलाओं के शरीर के कुछ ऐसे हिस्सों पर सख्त या गहरे रंग के बाल आते हैं जहां आमतौर पर नहीं आने चाहिए, जैसे कि चेहरा, छाती, पेट का निचला हिस्सा, जांघ के अंदर का हिस्सा और पीठ वगैरह। एंड्रोजन नामक हार्मोन का स्तर बढ़ने पर धीरे धीरे अन्य लक्षण विकसित हो सकते हैं और इस प्रक्रिया का विरलाइजेशन कहा जाता है। और विरलाइजेशन के भी कुछ लक्षण होते हैं, जैसे कि आवाज़ में भारीपन आना, गंजापन होना, मुहासे होना, स्तनों का आकार कम हो जाना, मांसपेशियों में वृद्धि होना और क्लाइटोरिस का बढ़ना। दोस्तों, हर्सूटिज्म क्यों होता है, इसका क्या कारण है? तो दोस्तों, इसके कई कारण हो सकते हैं। अगर हम वन बाय वन देखें तो सबसे पहला कारण है पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, यानी कि PCOS। दोस्तों, यह स्थिति अक्सर यौवन अवस्था में शुरू होती है और इसमें महिलाओं में सेक्स हार्मोन का संतुलन बिगड़ जाता है। कुछ वर्षों में PCOS की वजह से शरीर पर धीरे धीरे अधिक बाल आने लगते हैं। अनियमित मासिक धर्म, मोटापा, बांझपन और कभी कभी अंडाशय पर कई अल्सर बनने की समस्या भी हो सकती है। दूसरा है कारण दोस्तों, कुशिंग सिंड्रोम। यह तब होता है जब किसी व्यक्ति के शरीर में कॉर्टिजोल, जो कि एक प्रकार का हार्मोन है, उसका स्तर बहुत अधिक बढ़ जाता है और यह प्रेडनिजोन जैसी दवाइयों का लंबे समय तक सेवन करने या एड्रेनल ग्रंथियों द्वारा अत्यधिक कॉर्टिजोल बनने के कारण हो सकता है। तीसरा दोस्तों जो कारण है वो है कंजेनाइटल एड्रेनल हाइपरप्लाजिया। दोस्तों, यह एक आनुवंशिक स्थिति है जिसमें एड्रेनल ग्रंथियों द्वारा कॉर्टिजोल और एंड्रोजन सहित स्टेरॉयड हार्मोन का असामान्य रूप से उत्पादन होने लगता है। उसके बाद दोस्तों जो कारण है वो है ट्यूमर। दोस्तों, अंडाशय या एड्रेनल ग्रंथियों में ट्यूमर भी कई बार हर्सूटिज्म का कारण बन सकता है। दोस्तों, बात करते हैं कि हर्सूटिज्म से बचाव कैसे किया जा सकता है। दोस्तों, आमतौर पर हर्सूटिज्म को रोका नहीं जा सकता, लेकिन अगर आप ओवरवेट हैं तो वजन कम करके हर्सूटिज्म को नियंत्रित करने में मदद मिल सकती है। यह पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम की स्थिति में और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। दोस्तों, इसके इलाज की बात करें तो अनचाहे बालों से छुटकारा पाने के लिए आप कुछ तरीके अपना सकते हैं, जैसे कि शेविंग। दोस्तों, आप रेजर या ट्रिमर से अनचाहे बालों को आसानी से हटा सकती हैं। सख्त बाल हटाने के लिए रोज शेव करने की जरूरत पड़ सकती है। अगर शेविंग की वजह से स्किन पर जलन महसूस हो रही है तो आफ्टर शेव क्रीम का इस्तेमाल आप कर सकती हैं। उसके बाद है दोस्तों थ्रेडिंग। बालों को जड़ से निकालने के लिए अलग अलग तरीके अपना सकती हैं। आप चिमटी का उपयोग कर सकती हैं या फिर थ्रेड से भी बाल निकलवा सकती हैं, लेकिन इन तरीकों से दर्द और त्वचा पर लालिमा की दिक्कत हो सकती है। तीसरा है वैक्सिंग। अनचाहे बालों को जड़ से हटाने के लिए वैक्सिंग की मदद ली जा सकती है। इससे बाल लंबे समय तक नहीं आते और हो सकता है कि बालों की ग्रोथ धीरे धीरे कम हो जाए। उसके बाद एक क्रीम। बाजार में कुछ ऐसी क्रीम मौजूद है जिनमें तेज रसायन होते हैं और इन्हें डेपिला टोरीज कहते हैं, और यह क्रीम संवेदनशील त्वचा के लिए नुकसानदायक हो सकती है और इसीलिए ज़्यादा मात्रा में क्रीम का उपयोग करने से पहले पैच टेस्ट जरूर करें। इसका मतलब है कि थोड़ी सी क्रीम लेकर स्किन के छोटे से हिस्से पर लगाकर आप देखें। उसके बाद है दोस्तों इलेक्ट्रोलिसिस। आप इलेक्ट्रोलिसिस से बालों को हटा सकती हैं। यह थोड़ा महंगा हो सकता है। इसमें इलेक्ट्रिक करंट के जरिए बालों को जड़ से निकाल दिया जाता है। इसमें थोड़े थोड़े समय में सेटिंग लेनी पड़ती है और कुछ समय बाद बाल आना बंद हो जाते हैं। उसके बाद है दोस्तों लेज़र से बाल हटाना। लेज़र ट्रीटमेंट से भी बालों को हटाया जा सकता है, लेकिन इसमें आपको कई सेटिंग लेनी पड़ती है। यदि आपको लगता है कि आपके चेहरे या शरीर पर बहुत अधिक व मोटे बाल निकलने लगे हैं तो आपको उपचार जानने के लिए डॉक्टर के पास जाना चाहिए। एंडोक्राइनोलॉजिस्ट यानी कि हार्मोन संबंधी विकारों के विशेषज्ञ या त्वचा रोग विशेषज्ञ से आपको सलाह लेनी चाहिए। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी ज़रूर करें।